नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। अमरपुर क्षेत्र के विभिन्न घाटों से हो रही अवैध खनन की शिकायत पर जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाने को लेकर घाटों की घेराबंदी कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इसी कड़ी में बांका SDM मनोज कुमार चौधरी विभिन्न थानों के थाना अध्यक्षों के साथ चांदन नदी के विरमा घाट पहुंचे, जहां 7 JCB वाहन एवं 2 पोपलेन वाहनों की मदद से नदी में गड्ढा कर बांध बनाने का कार्य विगत 2 दिनों से किया जा रहा है, ताकि अवैध खनन पर पूर्ण विराम लगा सके। बालू माफिया कजरेली थाना क्षेत्र के तहसूर घाट, जगदीशपुर एवं रजौन थाना क्षेत्र के शहनान घाटों से बालू उठाव कर अमरपुर सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। सीमा विवाद को लेकर पुलिस इन माफियाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। बालू माफियाओं के सागिर्द पूरी रात हरवे हथियार से लैस होकर घाटों पर घूमते थे, जिस कारण नदी किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए थे। प्रशासन की सख्ती से ग्रामीणों को काफी हद तक राहत मिल गई है। बीच नदी में बड़े बड़े गड्ढे कर बांध निर्माण कर दिया गया है, ताकि बालू माफियाओं बालू उठाव नहीं कर सके। तटबंध बन जाने से जहां एक तरफ ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बालू माफियाओं में साफ तौर पर हड़कंप देखी जा रही है। शुक्रवार के दिन बांका SDM मनोज कुमार चौधरी के साथ साथ बांका खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान, अमरपुर सर्किल प्रशिक्षु DSP अविनाश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, रजौन इंस्पेक्टर राजेश कुमार, थानाध्यक्ष बुद्धदेव पासवान, जगदीशपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार, कजरेली थानाध्यक्ष पंकज कुमार, सजौर थानाध्यक्ष अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, महेश्वर पासवान, CIT फौज समेत कई संख्या में पुलिस बल घाटों पर जमे रहे। बेलहर थाना के अंतर्गत साहेबगंज बाजार बांका रोड में अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी ने किया। प्रतिदिन साहेबगंज बाजार में रोड जाम होने से यातायात में काफी परेशानियां होती थी। यह देख रोड के किनारे बसे हुए लोगों को लिखित नोटिस जारी किया गया, परंतु बाजार के लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब जाकर पुलिस प्रशासन एवं अंचलाधिकारी ने अंत में अतिक्रमण हटाने का फैसला किया, ताकि यातायात की सुविधा पब्लिकों को मिल सके। अतिक्रमण हटाने पर बाजार के लोगों ने इनका विरोध जमकर किया। कटोरिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री वीके सिंह को चांदी का तलवार एवं चांदी का मछली भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह बारहाट प्रखंड के मोहनपुर गांव में संतोष सिंह हत्या को लेकर सरकार की ओर से संवाहक के रूप में पीड़ित परिजनों से मिलने आए थे। वहां से वापस अपने घर लौटने के क्रम में कटोरिया ड्यूटी में ठाकुर राजकुमार सिंह, ठाकुर मनु सिंह, ठाकुर सौरभ सिंह के आवास पर लगभग आधा घंटा रुक कर समर्थकों से मिले। वहां उन्हें भव्य स्वागत किया गया, फूल मालाओं से लाद दिया गया। ठाकुर राजकुमार सिंह एवं मनु सिंह सौरभ सिंह की ओर से चांदी का तलवार एवं चांदी का मछली पगड़ी भेंट किया गया। इस दौरान कटोरिया पंचायत के मुख्य प्रदीप कुमार गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, कुमोद सिंह, नित्यानंद सिंह, गुड्डू सिंह, सत्येंद्र सिंह आदि सहित काफी संख्या में लोगों ने बुके एवं फूल माला से स्वागत किया। श्री सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा कि हम सरकार की ओर से संवाहक के रूप में बारहाट प्रखंड के मोहनपुर गांव में संतोष सिंह की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें संतावना देते हुए कहा कि आपको सरकार की ओर से जो भी सहायता होगी उसे हर हालत में दिया जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, हर हालत में उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे बांका में जो मान सम्मान मिला उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे कटोरिया 3 बजे आना था, यहाँ भोजन का कार्यक्रम था, लेकिन लगभग 7:30 बजे पहुंचा हूँ। लेकिन यहाँ लोगों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। इस क्रम में वह जमुआ गांव में भाजपा नेता विक्रम प्रताप सिंह एवं सिंधु प्रताप सिंह के घर कुछ क्षण के लिए रुके। वहां रुकते ही समर्थक ने फूल मालाओं से लाद दिया। वीर विक्की जिंदाबाद के नारों से पूरा जमुआ गांव गुंजामान हुआ। लगभग 500 की संख्या में समर्थक ने उन्हें स्वागत किया, उसके बाद अपने कपड़ों के साथ में घर के लिए रवाना हुए। कभी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने से देश और दुनिया में कलंकित रहे भागलपुर में एक शख्स मानवता की मिसाल पेश कर रहा है, और सनहोला के मोहम्मद सलीम गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। दरअसल नौवछिया के तेतरी के रहने वाले जितेंद्र कुमार चौरसिया के पुत्र अमर कुमार पिछले 8 वर्षों से किडनी बीमारी से ग्रस्त है, जिसको लेकर किडनी ट्रांसप्लांट होना आवश्यक है। लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप नहीं मिलने के कारण घर के सदस्य किडनी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान है। जैसे ही ये खबर मोहम्मद सलीम को लगी, वह जिलाधिकारी से मिलकर आवेदन देते हुए स्वच्छता से किडनी दान देने की अनुमति मांगी है। इस दौरान मोहम्मद सलीम ने कहा, अगर जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो अमर की जान जा सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। जिलाधिकारी ने मामले को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मोहम्मद सलीम के द्वारा किडनी दिए जाने की बात करते हुए राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा है। दूसरे को जीवन देने के लिए अपना अंगदान करने वाले कम ही लोग मिलते हैं। ऐसा पुण्य और नेक कार्य करने वाले मोहम्मद सलीम के जज्बे को हमारा चैनल सलाम करता है। हम अपना किडनी डोनेशन करने के लिए उसको तैयार हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमिशन कहाँ मिलेगा ये अभी तक नहीं हो पाया है क्लियर।
क्या परमिशन जो देगा उनको देगा कौन। तो कल हम जिदापा अधिकारी यहाँ आवेदन दिए हैं और अब देखिए क्या होता है। 1 से 2 दिन में जो है बोले हैं कि जो भी होगा हम कॉल करेंगे बताएंगे, अभी तक पता नहीं। पेशेंट जो है वो पता करने में ही हमको लग रहा है कि उसका दम टूट जाएगा जो है। उसका स्थिति गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है, प्रत्येक दिन उसका यह हो रहा है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सही समय हो, सही समय उसका इलाज हो जाए जो कि उसका जीवन ये हो सके। ज़िंदगी तो लोग अपने लिए जीता ही है, लेकिन थोड़ा दूसरे के लिए भी ज़िंदगी जीना मेरे लिए, हम सोचें इसी को देखते हुए हम उनके लिए आगे आए हैं। और मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा मेरा जो है सहयोग से अगर वो बच जाए तो इससे बड़ा और मेरा ज़िंदगी क्या होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।